Assalamu alaikum. Myself Shamrees Shahid. I'm a personal fitness trainer and sports nutritionist. आज का मेरा टॉपिक वार्म अप एक्सरसाइजेस के बारे में है कि आपको किसी भी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने से पहले आपको एक किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले वार्म अप करना क्यों जरूरी है. फॉर एग्जांपल इफ यू प्ले क्रिकेट इफ यू प्ले फुटबॉल और इवन के आप अगर जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उन एक्सरसाइजेस से पहले वार्म अप क्यों करना जरूरी है. बेसिकली हमारे यहाँ लोगों को बहुत कम कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि उनको किस तरह का वार्म अप करना चाहिए बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्म अप. तो अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर बेनिफिट अपनी एक्सरसाइज से नहीं ले सकते. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वार्म अप क्यों करना चाहिए, वार्म अप्स की कितनी टाइप्स हैं और वार्म अप्स के कितने बेनिफिट्स हैं. सो लेट्स डिस्कस कि वार्म अप करना क्यों जरूरी है. बेसिकली वार्म अप करने का मकसद अपनी बॉडी को आपका जो एक मेजर वर्कआउट है उसके लिए प्रिपेयर करना है. और जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं वार्म अप करके तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो आपके ब्लड फ्लो में इंक्रीज होता है, आपके मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट जो है वो बेहतर तौर पर होती है, इसी तरह आपकी ओपनिंग नंबर ऑफ कैपिलरीज इन योर मसल्स वो इंक्रीज हो जाती है. तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपको ये हेल्प आउट करते हैं आपकी एक्सरसाइज बेहतर करने में. एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ वार्म अप, नंबर वन जनरल वार्म अप एंड नंबर टू स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप. सबसे पहले मैं जनरल वार्म अप का डिस्कस करूंगा कि जनरल वार्म अप का बेसिक मकसद क्या है. जनरल वार्म अप परफॉर्म करने का मकसद आपकी होल बॉडी फंक्शंस को बेहतर वे में परफॉर्म करना है. दैट मींस जब आप जनरल वार्म अप करेंगे तो उससे आपके जॉइंट्स लूज होंगे जिसकी वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ताकि जब आप अपना मेजर वर्कआउट परफॉर्म करें तो आपकी बॉडी बाद में कोई उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसको इंजरीज का शिकार ना होना पड़े. नंबर टू स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप. स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप का मतलब क्या है. इसका मतलब आपने जो भी वार्म अप परफॉर्म करना है वो पर्टिकुलर उस स्पोर्ट से रिलेट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू वार्म अप योर क्वाड मसल्स, योर हैमस्ट्रिंग मसल्स. इसी तरह अगर आप क्रिकेट परफॉर्म करते हैं इफ यू आर अ बैट्समैन तो आपके लिए आपके शोल्डर्स की मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, आपके टोर्सो की रोटेशन का होना बहुत जरूरी है. और अगर मैं जिम की बात करूं अगर उसमें आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहते हैं उसमें अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, आर्म्स शोल्डर्स और इसी तरह लेग्स की, तो उससे पहले आपने उसका पर्टिकुलर वार्म अप जरूरी है. अगर आप लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको लेग्स का वार्म अप करना पड़ेगा. और मैंने बहुत देखा है जिम में कि वो एक आगे जनरल सा वार्म अप कर लेते हैं, वो भी अनफॉर्चुनेटली गलत किया जाता है. कुछ लोग कंपाउंड एक्सरसाइज से वार्म अप कर लेते हैं, कुछ लोग पुलअप्स को करते हैं, पुशअप्स को करते हैं. तो आपने इन सबसे अवॉइड करना है. सबसे पहले आपने जो मूवमेंट्स हैं उनको बहुत आराम से कोशिश करनी है कि वो परफॉर्म की जाएं. देन उसके बाद जो है आप पुलअप्स कर सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं और इसी तरह स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप योर बॉडी. वार्म अप करने का सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो आपकी इंजरीज में कमी आना है. बिकॉज जब आप अपने मसल्स को वार्म अप करते हैं प्रॉपर, उसके साथ आप अपनी बॉडी की जितनी भी मूव्स करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है. जब फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है जिसकी वजह से जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और अपने मसल्स पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आपके मसल्स उस टाइम जो है वो प्रेशर फील नहीं करते और आप इजीली अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर लेंगे. सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक्सरसाइज करें तो उससे पहले आपने वार्म अप जरूर करना है. इसके अलावा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं तो उसमें आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन रेट्स है वो भी इंक्रीज होता है, मसल फ्लेक्स होता है. जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी मसल की लेंथनिंग होती है. दैट मींस कि ओवरऑल जब भी आप वार्म अप करेंगे तो ये आपकी बॉडी को बेनिफिट ही देगा. सो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जब वो वार्म अप करते हैं तो आया वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या नहीं. तो आपको मैं इधर एक बात बताऊं कि स्ट्रेचिंग की बहुत सारी किस्में हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनको कौन सी स्ट्रेचिंग वार्म अप में करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रेचिंग इसी तरह कूल डाउन में करनी चाहिए. तो आपने जहन में रखना है जब भी आप वार्म अप करें तो आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, आपने कभी भी बैलिस्टिक या स्टैटिक स्ट्रेचिंग को प्रेफर नहीं करना. बिकॉज स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है आप अपने कूल डाउन सेशन में करेंगे. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग जब करनी है तो आप कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए. सो यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर नेक और आपने अपनी काफ्स तक इवन के टोज तक जो है प्रॉपर स्ट्रेच करना है. और यू कैन से इट्स अ जनरल वार्म अप.
लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपने नेक की मूव में आप नेक लेटरल फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, इसी तरह आप हाफ सर्कल्स भी कर सकते हैं लाइक दिस लेटरल फ्लेक्शन. इसी तरह आप हाफ सर्कल्स परफॉर्म करें लाइक दिस. नेक्स्ट आप आर्म्स की मूव्स करें. आर्म्स की मूव में आपके आर्म सर्कल्स हैं और आर्म रोटेशन है. आर्म सर्कल्स लाइक दिस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. इसी तरह आर्म आपके रोटेशंस हैं, यू कैन डू लाइक दिस. देन आप चेस्ट के लिए कर सकते हैं, अपनी चेस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक दिस. सेम आप अपने टोर्सो को मूव कर सकते हैं, अपने लोअर बैक को लाइक दिस. और इसी तरह आप अपनी लेग्स की मूव कर सकते हैं. सो लेग्स की मूव में आप अपने लाइक हर्डल्स इस तरह कर सकते हैं. बेसिकली एज अ बिगिनर आप समझिए आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें. और उसके अलावा अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो उसमें मिलिट्री मार्च, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, बट किक्स एक्सरसाइजेज, यू कैन कंबाइन ऑल दीज एक्सरसाइजेज एज वार्म अप. और आप इनके मिनिमम 10 रैप्स करें और एटलीस्ट टारगेट करें कि आपने 5 मिनट्स का वार्म अप करना ही करना है. सो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके जहन में ये तमाम चीज़ें होंगी और आप मेरी इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और कोशिश करें कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस बताई हैं एज अ वार्म अप, आप उनको परफॉर्म करें. होप यू लाइक माई वीडियो. सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड फैमिली. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस.